हमारा पास ब्रीफिंग लेने के लिए आया था, उस टाइम वो जो सिस्टम का जो स्ट्रेंथ था, इट वाज जस्ट लाइक ए डीप डिप्रेशन। ठीक है, तो वो डीप डिप्रेशन आईएमडी का फोरकास्ट मुताबिक नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके कल इवनिंग में, वो इवनिंग में वो साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफाई हुआ था। एंड उस टाइम उसको नाम ऑलरेडी जो प्री डिसाइडेड था वही नाम हुआ था, दैट इज रेमल। रेमल इवनिंग 5:30 में वो इंटेंसिफाई हुआ था। उसको बाद आईएमडी का फोरकास्ट मुताबिक वो ऑलमोस्ट नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है। मूव करके आज सुबह 5:30 बजे उसको इंटेंसिटी बढ़ के सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हो चुका। देन उसको बाद फिर से वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है एज पर द प्रिडिक्शन। एंड 8:30 बजे वो आपका नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में था एज ए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, नेम इज रिमल। एंड उसका पोजीशन ऐसा था 19.8 डिग्री नॉर्थ, 89.3 डिग्रीज, बट यू रिमेम्बर दिस इज द पोजिशन पोजिशन एट 8:30 टूडे, 8:30 AM। और आपका रिलेटिव पोजिशन ऐसा था, बांग्लादेश का खेपूपाड़ा का साउथ टू साउथ साउथ वेस्ट ऑफ खेपूपाड़ा 260 किलोमीटर, साउथ साउथ वेस्ट ऑफ खेपूपाड़ा 310 किलोमीटर साउथ ऑफ मंगला, और 240 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ सागर, और 280 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट ऑफ कैनिंग। उसका मतलब है आप बंगाल का खाड़ी में एक पॉइंट में सोचिए वो साइक्लोन कीजिए, और कोस्टल में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देखिए, देन आप आपको पता चला जाएगा जो पोजीशन का जान। उस टाइम आपका जो विंड स्पीड था सराउंडिंग द सेंटर सस्टेन विंड था 90 से 100 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड 8:30 बजे फोरकास्ट ऐसा था जे ये लगभग नॉर्दर्ली डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, एंड फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी होगा। इंटेंसिफिकेशन का मतलब विंड स्पीड बढ़ेगा विद इन दिस सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। आप लोग उसको दूसरा मत सोचिए, जनरली क्या है ना, मीडिया लोग को बहुत टाइम है मिस इंटरप्रिट कर देता है। जब बोल दिया इंटेंसिफिकेशन, इमीडिएटली दे देमसेल्फ इंटरप्रिट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। आई रिपीट अगेन, इट इज नॉट वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, इट विल रिमेन एज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ओनली विथ हायर विंड स्पीड। आई होप दिस इज क्लियर। इट इज लाइकली टू क्रॉस आज, मतलब आज मिडनाइट में वो बांग्लादेश एंड एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में, कोस्ट को क्रॉस करने का फोरकास्टिंग है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा क्लोज टू द साउथ वेस्ट ऑफ मंगला एज सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म विथ सस्टेन मैक्सिमम सस्टेन विंड स्पीड 110 to 120 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। हावड़ा, हुगली, कलकत्ता और ईस्ट मिदनापुर, ये जो चारों जिला में आज इवनिंग से स्क्वाली विंड होने का चांस है। विंड स्पीड रहेगा 45 to 55 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 65 किलोमीटर पर आवर। एंड ये जो विंड स्पीड है ये ग्रेजुअली बढ़ेगा, बढ़ने का यह है, बढ़ के वो गेल विंड में इंक्रीज इंटेंसिव होने का उसका फोरकास्ट है। विंड स्पीड 70 to 80 किलोमीटर पर आवर, गास्टिंग टू 90 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग टुडे नाइट। एंड लेकिन ईस्ट मिदनापुर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा कम, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर एंड 80 गास्टिंग। मेनली इस दोनों 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट है, और स्टॉर्म सर्ज का भी स्टॉर्म सर्ज 1 मीटर स्टॉर्म सर्ज का भी फोरकास्ट है, दैट इज 1 मीटर हाइट अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइम।